तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं यह मानकर चलूंगा कि आपने ये फिल्म देख रखी है। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि क्या ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा जिसको देखकर आप तसल्ली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जड़ से समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म में आपको देखने को मिला क्या। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लेते हैं कि आखिर इस फिल्म में हो क्या रहा था और हमको देखने को क्या मिला, ताकि हम इस फिल्म की रंग में रंग जाएं और हमको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या थी। ठीक है, तो बाकी मैं आपके डाउट्स और कंफ्यूजन को क्लियर तो करूंगा ही करूंगा, पर पहले कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फिल्म की शुरुआत में हमें एक परिवार देखने को मिलता है, जहाँ पर सल्वाडोर, उसकी वाइफ और उसका बेटा डिएगो, ये तीन लोग एक बहुत ही सुनसान और किसी एक अलग जगह पर रह रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपने घर के चारों ओर एक घेरा बनाकर रहते हैं, जहाँ पर वो रात को भी निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं और उनके अंदर एक डर और एक खौफ बना हुआ है, और वो जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने साथ एक बंदूक रखते हैं। और आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें एक नाव मिलती है, जहां पर एक आदमी जख्मी हालत में उनको मिलता है, जिसका सल्वाडोर मरहम पट्टी तो करता है, लेकिन जब वो जख्मी आदमी ठीक हो जाता है तो वो एक बंदूक लेकर खुद को गोली मार देता है। तो आखिर वो आत्महत्या क्यों करता है, किस वजह से, आखिर वो किससे बचने भागने की कोशिश कर रहा था, आखिर वो जख्मी क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। हालांकि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें बताया भी गया है कि ये सारी चीज़ें वॉर की वजह से हो रही हैं, और वो जो घेरा है जो उन्होंने बनाया हुआ, उसके बाहर बस जंग चल रहा है, और अगर वो वहाँ से बाहर गए तो शायद वो जिंदा नहीं बचेंगे, वो भी मारे जाएंगे। तो क्या वाकई में यही सच्चाई थी, क्या वाकई में बाहर जंग चल रहा था या फिर कुछ और ही गड़बड़ी थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, जहाँ पर वो लोग जंग को लेकर भी गाना गाते हैं कि कोई जंग पर गया है फिर वो कब वापस आएगा, तो ऐसे में शुरुआत में उस वजह से हमें एक एहसास होता है कि हाँ भाई, सही में ये डिएगो की माँ जो डिएगो को बता रही है कि शायद ये सब जंग की वजह से हो रही है, वो शायद इसी वजह से हो रही है, और इसी वजह से वो भाग कर इस जगह पर आए हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और ही थी। एक बार क्या हुआ कि खाने के मेज़ पर जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पर जब सल्वाडोर डिएगो को काफ़ी सारे काम करने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो एक तरीके से वो उसको काबिल बनाना चाहता था, ताकि वो आने वाली मुसीबतों को झेल सके और इन तकलीफ़ों को समझ सके कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही है, ताकि उसको कोई झटका ना लगे और वो आने वाली तकलीफ़ों के लिए, परेशानी के लिए पहले से ही तैयार बैठे, ताकि उसको वो दिन देखना ना पड़े जो इन्होंने देखा है। और वहाँ पर वो बैठे बैठे उसे समझाता है कि एक बार क्या हुआ कि उसकी बहन और वो खेल रहे थे, और खेलते खेलते अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, जिसके बाद वो ये बताती है सल्वाडोर की बहन कि मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि एक बहुत ही ऊंचा लंबा इंसान मुझे नज़र आता है, जिसका पूरा शरीर हड्डियों का है, जिसका चेहरा भी हड्डियों का ही है, और वो बहुत ही अजीब तरीके का इंसान है, एक तरीके से शैतान है, और उसी वजह से वो बहुत ही डरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा खौफ में है, और वो जितना ज़्यादा डरती है, जितना ज़्यादा खौफ में रहती है, वो शैतान उतना ही उसके पास आता जा रहा है, और वो एक तरीके से उसके अंदर और भी ज़्यादा डर बना रहा है, बैठा रहा है। और एक दिन वो सल्वाडोर के पास जाकर उसको बताती भी है, लेकिन सल्वाडोर उसकी बातों को ध्यान में नहीं रखता है, जिसके बाद होता क्या है कि एक दिन जैसे ही वो उठता है, वो उसकी अपनी बहन को देखता है कि वो खिड़की के बाहर खड़ी है, जिसके बाद वो वहाँ से कूद जाती है और एक तरीके से मर जाती है। तो क्या आखिर में वो मेंटली डिस्टर्ब थी, या फिर सही में कोई शैतान था, या फिर कोई बुरा साया था जो एक तरीके से उसको अपनी ओर खींच रही थी, या फिर वो शैतानी ताकत उसके डर और खौफ की वजह से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सल्वाडोर है वो अपने बेटे को बताता है कि भले लोग माने या ना माने कि शैतान है या नहीं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शैतान है, दुनिया के किसी कोने में तो ज़रूर है, और वो हम पर नज़र रखे हुए है। हम जितना ज़्यादा डरेंगे, जितना ज़्यादा खौफ में रहेंगे, वो उतना ही हमारे पास आएगा, हमारी इस तकलीफ़ को या फिर हमारे इस डर को वो सुनकर हमारे पास और ज़्यादा आकर्षित होकर आएगा और हमें मार भी देगा जान से। जिसके बाद वो ये बता ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही जो सल्वाडोर की बीवी होती है वो उसको रोक देती है और डिएगो को अपने रूम में भेज देती है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमें उन दोनों के डर और खौफ
के मंजर को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, और ये जो वो बता रहा है सोलॉर्ड, और ये बिल्कुल सच है और सही है। और उसके हाथ में हमें अजीब सा निशान भी नजर आता है, जिसके बारे में मैं आपको एंड में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जिसके बाद क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो जख्मी आदमी था, जो नाव से यहाँ आया था, जिसकी जान तो बचा ली गई थी पर उसने खुद को मार दिया था, पर वहाँ पर उसके नाव से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि उसका भी अपना परिवार है, उसके बीवी बच्चे हैं। जिसके बाद सल्वाडोर ये बात बोलता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर अब उसके परिवार वालों को सौंप दूंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर उसकी जो वाइफ थी, उसको पहले से ये बात पता थी कि अगर वो यहाँ से बाहर गया तो शायद जिंदा वापस नहीं आएगा, पर सलोर्डोर उनकी बात नहीं मानता, यहाँ तक कि अपने बेटे की भी बात नहीं मानता है और चला जाता है वहाँ से। और यहीं से तो सारी परेशानियाँ और तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और वो वॉर वाला जो कहानी हमें बताया जा रहा था कि शायद ये सब वॉर की वजह से हो रहा है, यहाँ पर वो मिथ हो जाता है और एक नई चीज़ शुरू होती है, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि काफ़ी वक्त बीत जाता है, काफ़ी साल बीत जाते हैं शायद से, जहाँ पर ये दोनों यानी कि डियोगो और उसकी माँ इंतज़ार करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते चले जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई है नहीं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहाँ जाए क्या करे, ऊपर से इतने डरे हुए हैं वो, खासकर तो उसकी माँ, डियोगो की माँ, क्योंकि वो जानती है कि क्या चीज़ें हैं, क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है। लेकिन डियोगो को वो जिस भी तरीके से समझा बुझा कर बिल्कुल हल्के तरीके से आगे बढ़ रही होती है, पर कब तक वो क्या ही करती। और धीरे धीरे उन दोनों के अंदर डर और खौफ बढ़ता ही जा रहा था, और यही डर और खौफ भापने की वजह से वो जो शैतान था वो उनके काफ़ी ज़्यादा करीब आता जा रहा था। जिसके बाद ये सब जो शैतान है सबसे पहले डियोगो की माँ को दिखता है, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि उस शैतान